वहीं यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अब नाव के जरिए भी लोगों का पलायन शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जो अपना देश छोड़कर रोमानिया पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी नाव का सहारा लिया और इसी नाव से वो नदी पार कर रोमानिया गए। यूक्रेन से निकलने के बाद ये सभी लोग अपने वतन का झंडा भी लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते भी थे। रोमानिया पहुंचने के बाद भी वो यूक्रेन के मौजूदा हालात से काफी दहशत में दिखे। यूक्रेन में बरसते बम और बारूद के बीच पलायन को मजबूर हुए ये लोग ओडेसा और उसके आसपास के इलाके के थे। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के घातक हेलीकॉप्टर K-52 की एक टुकड़ी को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ बढ़ रही इस टुकड़ी में 4 हेलीकॉप्टर मौजूद थे, जो रात के अंधेरे में यूक्रेन पर कहर बरपाने के इरादे से आगे बढ़ते दिखे। लेकिन वहां मुस्तैद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। उनमें एक मिसाइल सीधे आकर सबसे आगे चलते हेलीकॉप्टर पर लगी और वो आसमान में ही आग के गोले में बदल गया। इसके बाद तो वो पूरा का पूरा इलाका धमाकों और फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हेलीकॉप्टर भी निशाने पर आते ही जलकर राख हो गया। चौथा हेलीकॉप्टर इससे बचकर आगे निकलता दिखा, लेकिन आखिर में उसे भी यूक्रेन की मिसाइल का शिकार होना पड़ा। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की सेना का दावा है कि जिस मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन पर मार कर सकती है। हजारों किलोमीटर का यही मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का सफर। उत्तर कोरिया की एक ऐसी ताकतवर मिसाइल जिसकी जद में अमेरिका भी आ सकता है। जापान का दावा है कि इस मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी और बताया यह भी जा रहा है कि यह मिसाइल आसमान में 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में रहने के बाद यह मिसाइल जापान सागर में गिर गई। हालांकि मिसाइल का यह टेस्ट कामयाब रहा या नाकाम हुआ यह साफ नहीं है। दक्षिण कोरिया ने इस मिसाइल के टेस्ट के नाकाम होने का दावा किया। पोलैंड के शरणार्थी शिविरों में रह रहे यूक्रेन के लोगों पर अब मानव तस्करी करने वाले गिरोह खतरा बनकर मंडराने लगे हैं। बताया गया कि ऐसे कई गिरोह वहां यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर बने शिविरों के आसपास देखे गए, जिनकी नजर वहां कई शहरों में बनाए गए शिविरों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं पर बनी हुई है। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग से जान बचाकर लोग बड़ी संख्या में पोलैंड पहुंच रहे हैं, जिनमें सैकड़ों शरणार्थियों को वहां मेदेका शहर में बने कैंपों में भी रखा गया है। और ऐसे ही कैंपों में रह रहे लोगों पर मानव तस्करी करने वाले गिरोहों की नजर गड़ गई। बताया गया कि गिरोह में शामिल लोग लड़कियों और महिलाओं को पोलैंड में रहने की अच्छी जगह दिलाने का लालच दे रहे हैं, ताकि युद्ध में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग उनके जाल में फंस जाएं। हालांकि मेदेका शहर के प्रशासन ने दावा किया कि कैंपों के आसपास जाल बिछा चुके ऐसे गिरोहों पर उनकी पूरी नजर है, लेकिन शरणार्थियों की भारी संख्या उनके लिए परेशानी बन रही है, क्योंकि रूसी हमले की शुरुआत से अब तक करीब 36 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पोलैंड में शरण ली और उनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जबकि 1 महीने से रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन में लोग खाने और पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। सबसे खराब हालात वहां के मारियोपोल शहर में है, जिसे रूस की सेना ने जंग शुरू होने के बाद से ही घेरा हुआ है। मारियोपोल से बचकर निकली एक 27 साल की लड़की ने दावा किया कि उसकी आंखों के सामने ही प्यास की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। यही नहीं, विक्टोरिया नाम की उस लड़की ने बताया कि वहां लोगों के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि रूस की सेना ने शहर में पानी, खाना, दवाई, बिजली और गैस की सप्लाई को रोक दिया है। विक्टोरिया के मुताबिक जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग अब भूख से मरने की कगार पर हैं। असल में मारियोपोल ही यूक्रेन का वो शहर है जिसने रूस के हमलों की सबसे ज्यादा मार झेली। वहां के डिप्टी मेयर के मुताबिक रूसी हमले ने मारियोपोल शहर के 90% हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन में जंग के बीच फंसे कई युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रूसी सेना के यूक्रेन पर हुए हमलों के बाद से ये खिलाड़ी अपने ही देश में दुश्मनों से घिर गए थे, लेकिन अब ये सभी खिलाड़ी अपने पड़ोसी देश हंगरी पहुंच गए, जहां इन 35 खिलाड़ियों के अलावा कई और शरणार्थी भी नजर आए। बाद में इन सभी को वहां से एक कैंप में ले जाया गया। इस कैंप में उनके लिए खाने पीने का सारा इंतजाम मौजूद था। ऐसे में इन लोगों ने वहां लाइन में लगकर खाने के पैकेट लिए, फिर ये सभी साथ बैठकर खाना खाते दिखे। A group of 35 players from the youth teams of Shakhtar Donetsk arrived today in Zaonyi and they... फिर करीब 7 घंटे बाद रात में उनका ये सफर दोबारा शुरू हुआ और इस बार उनकी मंजिल थी क्रोएशिया,
अपनी इसी यात्रा को पूरा करने के लिए वो सभी एक बस में बैठे नजर आए। बताया गया कि वो क्रोएशिया में कुछ फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकते हैं। मारियुपोल की सरकारी एजेंसियों ने रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यह किया गया कि रूस मारियुपोल के लोगों को जानबूझकर निशाना बना रहा है और उन्हें जबरदस्ती कैंपों में भेजा जा रहा है, जहां लोगों की जान तक को खतरा है। दावा यह है कि मारियुपोल से सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर रूस की फौज देश से बाहर ले जा रही है, मतलब उन्हें यूक्रेन से निकालकर रूस ले जाया जा रहा है, उन्हें कैंपों में रखा जा रहा है जहां उनकी जान को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। मारियुपोल अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जिसे कई दिनों से रूस की सेना ने घेरा हुआ है। शहर के अंदर यूक्रेन और रूस की फौज के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। बमबारी और मिसाइल हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि अब रूस वहां के लोगों को जबरदस्ती बसों में भरकर कैंपों में ले जा रहा है। ये ऐसे कैंप हैं जहां लोगों की अच्छी तरह तलाशी लेकर पहले उनका सारा सामान ले लिया जाता है। लेकिन रूस की एजेंसियों का कहना है कि जिन लोगों को मारियुपोल से निकालकर रूस की सेना कैंपों में ले जा रही है वो रूस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि मारियुपोल में तेज हो रही जंग से लोगों की जान पर बड़ा खतरा है। हालांकि यूक्रेन इन दावों से सहमत नहीं है, बल्कि उसका आरोप यह है कि रूस की फौज मारियुपोल से निकाले गए लोगों के साथ कैदियों जैसा सलूक कर रही है। जंग के दौरान जिन लोगों को बंधक बनाया जाता है उन्हें युद्धबंदी कहा जाता है। यूक्रेन कह रहा है कि जिस तरह के कैंप रूस ने बनाए हैं वो युद्धबंदियों को रखने के लिए ही बनाए गए। कोई सही आंकड़ा अब तक किसी एजेंसी ने जारी नहीं किया है, लेकिन मारियुपोल के मेयर के मुताबिक अब तक 400 लोगों को ऐसे कैंपों में भेजा गया। मेयर ने रूस के इस कदम की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए बंदियों से की। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने कुछ इसी तरह से हजारों लोगों को कैंपों में रखा था और उन पर जुल्म किए थे। यूक्रेन का आरोप यह भी है कि जबरदस्ती किसी एक देश के लोगों को दूसरे देश में लेकर जाना बड़ा अपराध है। जंग के बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि यह अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में ज़ापोरिज़्या से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। सनसनीखेज दावा हुआ है। दावा यह है कि पुतिन रूस में शिकार पर निकले हैं, उन लोगों के शिकार पर जिन पर वो यूक्रेन में मिल रहे तगड़े झटकों का ठीकरा फोड़ सके, जिन पर वो गद्दारी का इल्जाम लगाकर सूली पर चढ़ा सके। दावा है कि पुतिन को ये समझ नहीं आ रहा कि यूक्रेन जैसा देश, जिसकी सेना रूस की विशाल और आधुनिक सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती, वो कैसे उसे धूल चटा रही, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस को रूस की फौज के अगले कदम की उसके टॉप सीक्रेट रणनीति की भनक पहले से ही लग जाती है। कहा जा रहा है कि पुतिन को शक है कि उनके करीबी अधिकारियों की मंडली में ही कुछ ऐसे विभीषण हैं जो रूस को यूक्रेन में हराने में जुटे हैं।